नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। आज हम बात करेंगे 17वां बीपीएससी 2024, जिसका एग्जाम 30 सितंबर को फिक्स किया गया है। एग्जाम डेट तो है, अभी फॉर्म आया नहीं है, तो लोगों को बहुत चिंता हो रही होगी भी कि फॉर्म अभी तक आया नहीं, एग्जाम डेट आगे बढ़ेगा या वही सेम रहेगा। तो एग्जाम कभी भी होगा, पढ़ना तो आप ही को है। आज पढ़िए या कल पढ़िए, अगर सिलेक्शन लेना है तो पढ़ना आप ही को पड़ेगा। तो एग्जाम डेट का टेंशन छोड़िए और पढ़ाई लिखाई में लगिए। 28 सितंबर मैं इसलिए लिखा हूँ क्योंकि आज से 2 महीना है। 28 सितंबर, 2 दिन, अब बोलेंगे कि 2 दिन बाकी है, तो 2 दिन तो आप ऐसे ही सोने उठने घूमने टहलने डिसाइड करने में कि पढ़े कि ना पढ़े, इसमें भी बर्बाद कर देंगे। तो ज़्यादा नहीं, इतना कहूँगा कि दिन बहुत कम है, अब पढ़ना बहुत ज़्यादा है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा पढ़ना, एग्जाम के लिए बस उतना ही पढ़ना है जो एग्जाम में, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। ऐसे पढ़ने के लिए तो बहुत है, अथाह सागर है, कितना पढ़िए, जितना भी पढ़िए कम है। सिलेक्शन लेने के लिए सिलेक्टेड चीज पढ़ना है, अगर सिलेक्शन लेना है तो सिलेक्टेड चीज पढ़ना पड़ेगा। ठीक, अब सिलेक्टेड चीज में क्या है, कैसे है, वो आपको इस प्लेटफॉर्म में धीरे धीरे सभी चीज बताया जाएगा डे बाई डे। तो एग्जाम में अभी लगभग 2 महीने का टाइम है। अब इसमें जैसे आप देख रहे हैं थंबनेल में लिखा हुआ है हाउ मेनी डेज, कितने दिन बचा है उसका सॉल्यूशन आपको मिल गया। कट ऑफ कितने, कैसे क्लियर होगा, कितने मार्क्स लाने पर क्लियर हो सकता है। तो कट ऑफ क्लियर करने के लिए वो क्वेश्चन पेपर जो बनेगा, तो जो एग्जामिनर बनाएगा वो डिसाइड करेगा कितना में। आप चाहे जितना भी कोशिश कर ले, अगर पेपर टफ कर दिया कट ऑफ पीछे हो जाएगी, पेपर थोड़ा सा ईजी कर दिया थोड़ा सा कट ऑफ ऊपर हो जाएगी, और मॉडरेट कर दिया तो कट ऑफ वही रहेगा, लगभग लगभग आधा एक नंबर आगे पीछे खेल रहेगा। बस निगेटिव मार्किंग ऐड हो चुका है, आप सभी लोगों को पता है, अगर आप बीपीएससी के लिए लगे हुए हैं तो कोई पता होना चाहिए कि निगेटिव मार्किंग इसमें ऐड हो चुका है, मतलब कि आप निगेटिव मार्किंग के भी मार्क्स मिलते हैं। पूछिएगा मार्क्स मिलते हैं कैसे, तो निगेटिव मिल रहे हैं ना। चलिए ठीक है, हम बाकी बात बाद में। हाँ, क्या नहीं पढ़ना है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसमें पढ़ना क्या नहीं है। पढ़ना तो बहुत कुछ है, ये तो बता दिए कि पढ़ना बहुत कुछ है, लेकिन क्या नहीं पढ़ना है, तो ये भी आपको प्लेटफॉर्म में धीरे धीरे बताया जाएगा क्या चीज नहीं पढ़ना है। जो पढ़ाया जाएगा वो पढ़ना है, जो नहीं पढ़ाया जाएगा मतलब वो नहीं पढ़ना है। ऐसा भी नहीं जो नहीं पढ़ाया जाएगा वो नहीं पढ़ना है, बहुत सारे ऐसे भी टॉपिक है जो नहीं पढ़ाया जाएगा, लेकिन पढ़ाया वही जाएगा जो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे लगभग हर एक साल क्वेश्चन बनते ही हैं। तो अब अगर हम 20 मान लीजिए, अगर आपके हिसाब से चला जाए तो 30 सितंबर का बात करें, 2 डेज तक आपको मैंने क्लियर कर दिया कि आप कहाँ अभ्यास करेंगे। 28 सितंबर हम लेते हैं, क्योंकि जर्नी वगैरह और भी बहुत चीजें होता है, ऐसा तो नहीं आपके घर के बगल में सेंटर मिलेगा। 28 सितंबर, अभी फॉर्म आया नहीं है, फॉर्म आएगा सपोज डेट, अगर अगस्त में भी फॉर्म देता है तो भी 28 सितंबर एग्जाम करवा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, लेकिन अगर 2 महीना बचा है तो थोड़ा सा पॉसिबिलिटी एग्जाम डेट आगे बढ़ सकता है। तो एग्जाम के लिए लोग बोलते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है, बहुत लोगों का ना है कि बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है, मॉडर्न हिस्ट्री तो ये तो वो पढ़ना तो पड़ता ही है। अब जैसे हिस्ट्री में आप ले लीजिए, हिस्ट्री में लगभग लगभग 30 क्वेश्चन फिक्स है, 25 से 30 क्वेश्चन। अब ये 25 में 30 क्वेश्चन कैसे, तो 30 में आपका 3 भाग में डिवाइड हो जाता है ये 30 क्वेश्चन। एक एंशियंट, अगर आप 69th बीपीएससी के देखें तो एंशियंट से लगभग लगभग 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और मिडिवल से तो मिडिवल से भी लगभग लगभग ज्यादा नहीं, 3 से 5 क्वेश्चन के लगभग, शायद 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, और उसके बाद फिर अगर मॉडर्न का बात करें तो मॉडर्न से एग्जैक्ट 15 क्वेश्चन था, मतलब 15 क्वेश्चन जो है मॉडर्न से थे। तो यहां से आपको समझ में आता होगा कि ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है हिस्ट्री में। और जब मिडिवल में भी जैसे कि मुगल से कुछ कुछ दिल्ली सल्तनत से भी, ऐसा नहीं है कि चीज से पूछा गया तो पढ़ना पड़ेगा, मिडिवल थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, एंशियंट मिडिवल से ज्यादा है तो क्वेश्चन भी ज्यादा है, मॉडर्न इन दोनों से ज्यादा है तो इससे क्वेश्चन और ज्यादा है, दोनों को ऐड करके।
तो मतलब कुल मिला जुला के ये है कि आपको हिस्ट्री में अगर मान लीजिए 28 क्वेश्चन आ रहा है या 30 क्वेश्चन अगर पूछ रहा है, तो इसमें से आपको 30 क्वेश्चन के पीछे नहीं पढ़ना है कि नहीं हमको पूरा 30 के 30 करना ही करना है। आपको इसमें से 23 आउट ऑफ 30 या 23 आउट ऑफ 28 आप कर भी लेंगे, अगर इतना भी कर ले रहे हैं तो सिलेक्शन के लिए अब आगे बढ़ गए इतना भी, क्योंकि अगर अभी आपके पास इतना भी ज्यादा टाइम नहीं है कि आप 30 के 30 के ऊपर फोकस कर सकें। अच्छा दूसरी बात ये भी, अगर 30 के 30 के ऊपर आप फोकस कर भी लिए तो भी आप नहीं कर पाएंगे, कोई भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपको मेटेरियल सभी चीज आप नहीं पढ़ सकते, ना मैं पढ़ सकता हूँ ना आप पढ़ सकते हैं, जो भी इतने हम लोग बहुत लोग पढ़ते होंगे लेकिन सभी लोग नहीं करवा सकते, वो अलग बात है। पेपर में अगर पूछ लिया जो पढ़ा हुआ है तो लोग कर लेते हैं, ऐसे भी कोई वो नहीं है, होता है ना कि हाँ इनका पढ़ाया हुआ सभी कुछ आ गया, तो वो एग्जामिनर कमेंट के ऊपर है कैसा पेपर बना रहा है। तो वो 30 के 30 के पीछे नहीं पढ़ना है आपको, मात्र हिस्ट्री में अगर आप 22 23 के भी टारगेट लेके चले तो आप सिलेक्शन के करीब है। आप 30 के 30 के पीछे पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है सिलेक्शन नहीं होना है, ठीक, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है और सब्जेक्ट छूट जाएगा। ठीक, हिस्ट्री हो गया। हिस्ट्री के बाद फिर अगर हम बात करें, अच्छा हिस्ट्री में फोकस करना है मेनली किसमें, एंशियंट, एंशियंट में फोकस कर लीजिए और मॉडर्न में फोकस कीजिए, टाइम मिले तो मिडिवल में कीजिए। अब नेक्स्ट आपका आ जाता है, नेक्स्ट हम बात करें तो जियोग्राफी, जियोग्राफी जो पूछिएगा जियोग्राफी, तो जियोग्राफी में दो हो जाता है, एक तो इंडिया और दूसरा वर्ल्ड। इंडिया जियोग्राफी छोटा है, वर्ल्ड जियोग्राफी बड़ा है, तो छोटा से कम क्वेश्चन, लगभग लगभग 7 से 8 क्वेश्चन। अब वर्ल्ड जियोग्राफी थोड़ा बड़ा है तो इसमें भी लगभग लगभग 10 से 11 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं आमतौर पर। इंडिया जियोग्राफी अगर थोड़ा सा भी ध्यान दीजिएगा हो जाएगा। फिर से वही बात, अगर सपोज डेट इन दोनों को मिला करके 16 से 18 क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आपको 16 से 18 में फोकस नहीं करना है, आपको फोकस कितना करना है, 12 से 13, इतना का टारगेट लेके चलना है। अगर आप 16 में 12 से 13 में कर रहे हैं तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि और भी सब्जेक्ट को आपको लेकर के चलना है एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए, केवल जियोग्राफी को क्वालिफाई नहीं करवाएगा। ओके तो जियोग्राफी में इंडियन जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी ऐसा भी नहीं कि बहुत हैवी हैवी क्वेश्चन पूछे जाते हैं या बहुत बड़े बड़े कि ना हो पाए, हो जाता है, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक, जियोग्राफी के बाद फिर हम बात करते हैं पॉलिटी। पॉलिटी में भी लगभग लगभग 10 से 12 क्वेश्चन, मोस्टली 10 ही क्वेश्चन पूछता है, कभी कभी 11 12 13 भी पूछता है। अब जैसे इस बार क्या है, चुनाव वगैरह हुआ है तो पॉलिटिक्स क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा रहेगा, 12 13 क्वेश्चन इस बार रहेंगे। ठीक है चलिए मान लीजिए अगर 10 भी क्वेश्चन आते हैं, 10 क्वेश्चन में अगर थोड़ा सा भी अगर ध्यान से थोड़ा आर्टिकल हो गया, कौन कौन सा आर्टिकल क्या है, कौन कौन सा राष्ट्रपति का क्या काम है, उनका फंक्शन हो गया, ठीक, उसके बाद गवर्नर का बजट वगैरह का जो भी फाइनेंस हो गया, मनी बिल हो गया, फंडामेंटल राइट हो गया, ये सब चीज अगर देख लेते हैं, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, ये सब चीज थोड़ा सा ध्यान दे दिया जाए तो इसमें से आराम से 10 क्वेश्चन में से 9 क्वेश्चन निकाल सकते हैं, यानी कि 9 आउट ऑफ 10 इसमें से किया जा सकता है, बहुत बड़ी बात नहीं है, करते भी ये लोग। पॉलिटी जो क्या है, छोटा सब्जेक्ट है, ठीक, सिलेबस जो है इसका थोड़ा सा कम है, सिलेबस कम नहीं है, सब्जेक्ट थोड़ा छोटा है, और मेन मेन चीज वही सभी पूछे जाते हैं सभी एग्जाम में। एग्जाम में एक पैटर्न होता है सभी एग्जाम, कोई ऐसा नहीं कि कुछ भी उठा के कहीं से कुछ पूछ ले, ठीक। तो ये हो गया पॉलिटी। अब पॉलिटी के बाद अगर हम बात करें, थोड़ा गला में प्रॉब्लम चल रहा है, पॉलिटी हो गया। पॉलिटी के बाद अगर हम बात करें साइंस, साइंस साइंस से भी लगभग लगभग अच्छा वेटेज है, जैसे हिस्ट्री का है वैसे साइंस का है। साइंस से लगभग लगभग आपको 22 से 30 क्वेश्चन, मतलब किसी में 30 भी पूछे गए हैं, किसी में 22 23 भी पूछे गए हैं, अगर करंट से भी साइंस एंड टेक ऐड कर दिया जाए 30 क्वेश्चन लगभग लगभग पूछे जाते हैं साइंस में। और साइंस में 30 क्वेश्चन में फिजिक्स का बात किया जाए तो फिजिक्स लगभग लगभग कोई 7 to 8, उसके बाद केमिस्ट्री, केमिस्ट्री थोड़ा सा कम रहता है, 6 to 7 बोल सकते हैं, 5 to 7, 6 to 7। और बायोलॉजी, बायोलॉजी में अगर हम बात करें तो बायोलॉजी में भी लगभग लगभग वही 7 to 8 10 क्वेश्चन चले जाते हैं बायोलॉजी से।
और साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक से भी लगभग लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आ जाते हैं। अब रिसेंट का पेपरों में देखा गया है कि साइंस एंड टेक को भी थोड़ा वरीयता मिल रही है पेपरों में, तो ये करंट से अफेयर से रिलेटेड करता है। तो ये अगर करंट अफेयर आप ठीक से कर रहे हैं तो इसके लिए टेंशन लेने की जरूरत है। ठीक से का मतलब क्या, बीपीएससी में करंट अफेयर इतना ही बहुत वास्ट नहीं पूछा जाता है कि हाँ बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। बीपीएससी के लिए करंट अफेयर अगर आप नॉर्मली डेली के डेली लेके चल रहे हैं या वीकली भी कर रहे हैं, छोड़िए मंथली भी अगर कर रहे हैं तो हो जाएगा। ठीक, इसी के बाद लगे हाथ करंट अफेयर करते हैं, मतलब साइंस में अगर ये देख लीजिए तो साइंस से भी आराम से लगभग लगभग 20 क्वेश्चन या 18 क्वेश्चन ले लीजिए, 18 क्वेश्चन भी निकाल सकते हैं। इसके बाद फिर अगर आप करंट अफेयर की बात करें, करंट अफेयर सबसे बड़ा मुद्दा, आखिर पढ़े कहाँ से, ठीक पढ़े कहाँ से करंट अफेयर को। करंट अफेयर कहीं से भी पढ़िए, आपका चॉइस, जहां से आपको कंफर्टेबल लगे पढ़ने में। ऐसा नहीं है कि हाँ ये पढ़ा रहा तो कोई पढ़ाया है तो उसी से आएगा, या कोई बोल दिया कि हाँ हमारा करंट अफेयर से सब कुछ आता है, आता है ठीक है, लेकिन उसका सब देख भी लीजिए मटेरियल कितना है। अगर कोई कहीं से आप 1 मंथ का अगर 20 पेज पढ़ करके 10 क्वेश्चन में से 8 क्वेश्चन निकाल रहे हैं, और एक किसी का 100 पेज पढ़ करके 10 क्वेश्चन में से 9 क्वेश्चन कर रहे हैं, तो बुद्धिमानी किसमें है? आपको 10 क्वेश्चन करने में बुद्धिमानी है या 8 क्वेश्चन करने में? बाकी आप खुद ही समझदार हैं, समझ सकते हैं। तो ज्यादा टाइम ऐसा भी नहीं कि हाँ 2-3 क्वेश्चन के लिए हम पूरा दिन में करंट अफेयर ही करते रहे 1 महीने, ज्यादा नहीं। हाँ मेन मेन चीजें आपको पढ़ करें करंट अफेयर, क्योंकि मेन ही चीज पूछा जाता है करंट अफेयर में। अब ये थोड़ा ना पूछेगा कि प्रधानमंत्री का या असिस्टेंट का बेटे का देहांत हो गया तो वो कौन था, कैसा था, क्या था, कुछ भी। अब अंबानी का अभी शादी हुआ, शादी में उसके कौन कौन से गिफ्ट दे करिए, क्या गिफ्ट दिया, उसे क्या पूछेगा। तो मेन में जो इंटरनेशनल नेशनल मुद्दे हैं जो किसी देश से कुछ काम आया, देश के लिए है या बिहार राज्य के लिए, क्योंकि बिहार भी तो है इसमें, एक बिहार राज्य के लिए क्या बेनिफिट है, बिहार राज्य के लिए क्या अलग हुआ कुछ, या कंट्री के लिए हमारा प्यारा भारत इंडिया के लिए क्या अलग हुआ, ये सब चीज से रिलेटेड चीजें आपको मोस्टली करंट अफेयर मिलेंगे, जो भी समसामयिक बोलते हैं। तो करंट अफेयर्स भी लगभग लगभग हो रहा है ट्रेंड में कि नहीं, 20, 30, 30 क्वेश्चन तक पूछा गया लास्ट बीपीएससी में, 69 बीपीएससी में 30 क्वेश्चन पूछे गए, लेकिन आप 20 के टारगेट लेके चलिए, 20 टारगेट लेके चलिएगा, 20 कर लीजिएगा, ज्यादा आया तो भी कर लीजिएगा, पढ़ेंगे तब सभी, हमको पता है छोड़ने वाले हैं नहीं कुछ, तो ज्यादा अगर कर लेंगे, लेकिन 20 का टारगेट लेके चलना पड़ेगा कि आप 20 एटलीस्ट हम कर लें, 20 क्वेश्चन लगभग आएगा, 20 आना ही है। ठीक, करंट अफेयर हो गया, पॉलिटी हो गया, अब क्या बचता है? तो हम लोगों ने क्या क्या देख लिया था, इसमें से हिस्ट्री आपने देख लिया, हिस्ट्री के लिए, हिस्ट्री में ज्यादा नहीं आपको लगभग लगभग इसमें मान लीजिए अगर एवरेज आपको 20 क्वेश्चन भी कर ले रहे हैं। ठीक, जियोग्राफी में 10 क्वेश्चन कर ले रहे हैं, मैं पॉलिटी में भी अगर आप 10 क्वेश्चन, 10 नहीं 8 क्वेश्चन का भी गेन कर ले रहे हैं, साइंस में 20 क्वेश्चन का गेन कर ले रहे हैं, और करंट अफेयर में 20 नंबर आपको गेन करना पड़ेगा, कर लेना ही करना पड़ेगा। इसमें अगर 20 नंबर तक बिहार स्पेशल से निकाले, देखिए बिहार स्पेशल आपने मैंने बोलना भूल गया था, तो ये बिहार स्पेशल के लिए आपको मतलब बिहार स्पेशल 15 से 22-25 क्वेश्चन, कभी कभी ज़्यादा भी हो जाता है, और हिस्ट्री ज़्यादातर बिहार के रिलेटेड ही रहेगा, तो मॉडर्न हिस्ट्री बिहार, एंशियंट हिस्ट्री बिहार से रिलेटेड करनी पड़ेगी जो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक, उसके बाद फिर इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट से ज्यादा नहीं, हालांकि फिर भी 8 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन पूछ लेता है इसमें सब। देखिए अब पेपर का क्या है, अगर थोड़ा फैक्चुअल पूछता है तो आप निकाल लेंगे सभी, लेकिन अगर वही थोड़ा सा कंसेप्ट घुमा के पूछता है तो इन्वायरमेंट थोड़ा सा टफ हो जाता है। ऐसा नहीं कि इम्पोर्टेंट बहुत ईजी चीज है, ईजी भी है और टफ भी है, पूछने वाले ऊपर डिपेंड करता है वो क्या चाहता है आपसे, करवाना चाहता है क्वेश्चन या नहीं करवाना चाहता है। ठीक, तो इन्वायरमेंट से भी आप अगर बात करें तो 6-7 क्वेश्चन निकाल सकते हैं। ठीक, और मैथमेटिक्स, कुछ लोगों को मैथमेटिक्स बढ़िया है, कुछ लोगों को मैथमेटिक्स वीक है। ठीक, तो इसमें मैथमेटिक्स में आपको लगभग लगभग 10 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन कर सकते हैं, बहुत 8 क्वेश्चन मान के चलिए, तो 8, 6, 14, 20, 40, 60, 74 हो गया, उसके बाद 20, 94, 104, 112 तक का ये हो गया। अब इसमें बचा है इकोनॉमी एक सब्जेक्ट, इकोनॉमी से भी लगभग लगभग लास्ट ईयर तो पूछ लिया गया था लगभग 8 से 10 क्वेश्चन, तो इकोनॉमी से अगर क्वेश्चन आता भी है कर नहीं पाएंगे,
इकोनॉमी का क्वेश्चन जो है बहुत जो है थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा रहता है, ऐसा नहीं कि नहीं कर पाएंगे लेकिन उसके लिए बहुत ज्यादा दिक्कत पड़ना पड़ेगा। हाँ लेकिन इकोनॉमी का जो भी है करंट अफेयर्स रिलेटेड जो क्वेश्चन है, जो बजट से रिलेटेड जो हो गया, उसके बाद इंडेक्स हो गया, स्कीम हो गया, और कुछ एग्रीकल्चर डाटा हो गए, कुछ सेंसस डाटा हो गए, ये सब चीजें किया जा सकता है। तो ये सब लेकर के लगभग 5 क्वेश्चन आप कर सकते हैं आराम से, ये सब करंट अफेयर्स से रिलेटेड करंट अफेयर कंप्लीट कर लेंगे। तो ओवरऑल अगर देखें तो आप थोड़ा थोड़ा भी अगर सबसे ठीक ठीक से मेन मेन चीजें भी करके कर दें तो आराम से BPSC 17 क्वालिफाई किया जा सकता है। अच्छा इस बार सुन रहे हैं कि अच्छा खासा इसमें सीट भी आने वाला है, तो अच्छा खासा सीट है तो कट ऑफ भी थोड़ा सा नीचे जाएगा, ऐसा नहीं कि नीचे जाएगा, ऐसा है कि कैंडिडेट भी बहुत ज्यादा हो जाएगा, सब कुछ आएगा क्योंकि नौकरी का महामारी तब देख ही रहे हैं सरकारी नौकरी। तो कुल मिला जुला यह है कि अभी जब पढ़ाई लग गया 60 डेज का टाइम है, 60 डेज में आराम से किया जा सकता है, बस शर्ते रेगुलर प्रैक्टिस और मेन मेन टॉपिक जो भी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए, उस क्वेश्चन को देखिए कहाँ से क्वेश्चन पूछा है, उस टॉपिक को कंप्लीट कीजिए, उसके बाद फिर उससे रिलेटेड टेस्ट लीजिए, आराम से होगा। इसलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।